मैंने एक स्टैट पढ़ा था कि दुनिया में दी मार्केट साइज ऑफ गेमिंग इज $500 बिलियन की इंडस्ट्री है। पाकिस्तानीज हैव स्पेंट मोर देन हाफ अ बिलियन डॉलर्स ऑन गेमिंग। 40 से 45 मिलियन लोग वो होंगे जो वो 200 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं। आपको एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम नहीं लूंगा मैं, तो उसकी महीने की आमदनी 72 लाख रुपए। 72 लाख का जो हम लेवल सुनते हैं, बट ऐसे कुल मिला के आपके मुल्क में 2 लोग। साइबर बुलिंग बहुत होती है गेम प्ले के दौरान। अगर किसी को पता चल जाए कि यार मैं एक लड़की के साथ खेल रहा हूँ, प्ले विथ योर डॉटर, enjoy with her, and when you encounter bullying, tell her to push back. Yeah. Tell her to develop thick skin. Tool operators हमारे अच्छे हैं, creativity अच्छी है, लेकिन critical thinking, accessibility is a real thing. But भाई कब तक आपकी vocational focus will be सिलाई पर होगी, जूट के basket बनाना, ये नहीं है. That's not what is needed anymore. गेमिंग की दुनिया पाकिस्तान में $500 मिलियन की दुनिया है। क्या आपको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है पूरी डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ी है। $500 मिलियन पाकिस्तानी लोग गेमिंग पे खर्च करते हैं, यानी कि इन ऐप परचेसेस, गेम कॉन्सोल्स, और इसके अलावा तकरीबन 250 से 300 मिलियन की इंडस्ट्री है जो सपोर्ट करती है इंटरनेशनल गेमिंग कंपनीज़ को। तो अगर हम तकरीबन आज बगैर किसी काम के हम तकरीबन $1 बिलियन की एक इंडस्ट्री पे बैठे हुए हैं, तो अगर थोड़ी सी मेहनत के साथ अगर हम इस इंडस्ट्री को $4 से $5 बिलियन पे ले जाएं, तो कितना फ़ायदा होगा इस मुल्क का। लेकिन इसको वहाँ तक ले जाने के लिए जो काम चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्या है। मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में और सीखूं, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानूं, तो मैंने एक ऐसे शख्स को आज बुलाया है जो इस पूरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका नाम है इमरान खान, फाउंडर ऑफ रैप्टर गेम्स, एडिटर इन चीफ ऑफ IGN। तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में आज हम एक बहुत मजेदार डिस्कशन कर रहे हैं। एंड वॉच दिस एपिसोड विद इमरान खान नाउ। इमरान खान, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड यार। मैं काफी अरसे से ढूंढ रहा था कि मुझे गेमिंग पे कोई मिल जाए जो इस इंडस्ट्री में मुझसे बात करे, क्योंकि एवरीवेयर आई गो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का गेम खेल रहा होता है इस मुल्क में, राइट? And casual gaming has become huge. So, सबसे पहले तो the conversation I want to get into is market size of gaming. मैंने एक stat पढ़ा था कि दुनिया में the market size of gaming is $500 बिलियन की industry है, ठीक है? Yeah. और मुझे याद पड़ता है कि पूरी beauty industry दुनिया में जो हजारों साल से चलती आ रही है वो भी $500 बिलियन की है। क्या गेमिंग एक्चुअली $500 बिलियन की इंडस्ट्री है दुनिया में? देखें, उसका उस नंबर को वैलिडेट करने का बहुत आसान तरीका ये है, 3 ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज आर मूवीज, म्यूजिक एंड जनरल एंटरटेनमेंट, राइट? ठीक है। उसमें आप नॉर्मल ऑफ मीडिया लाइक मैगजीन्स, एंटरटेनमेंट अदरवाइज ले लें, ऑल थ्री इंडस्ट्रीज आर एडमिटेड दैट गेमिंग इज बिगर देन ऑल थ्री कंबाइंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। सो जितनी मूवीज प्रोड्यूस हो रही है, जितना बॉक्स ऑफिस हो रहा है, उससे रिलेटेड जितनी स्ट्रीमिंग हो रही है, म्यूजिक जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट जितना रेवेन्यू है, एंड जनरल एंटरटेनमेंट जितनी भी हो रही है, गेमिंग इज अबाउट 1.3 times ऑल ऑफ देम कंबाइंड। सो या, गेमिंग इज एक्चुअली दैट बिग टुडे। और पाकिस्तान का कितना बड़ा मार्केट होगा गेमिंग का? सो गिवन पाकिस्तान्स जनरल लो कॉस्मेट्रिक, व्हिच इज लाइक लो आरपू, इट्स एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव। सो एज ऑफ टुडे, ओवर द लास्ट 2 years एवरेज, Pakistanis have spent, and I'll explain what I mean by spent, have spent more than $500 million on gaming, right? Wait, so they've spent $500 million on gaming in how long? Per year. So it's a two-year average. It's a two-year average, yeah. Hey, okay, so let me just let this sink in. 250 million banda hai idhar. Yeah. ठीक है, चलें उस 250 million को भी छोड़ दें. छोड़ देना, हाँ. Digitally connected, let's say 120 million है, उसको भी छोड़ दें. मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता हूँ। डेली एक्टिव यूजर डिजिटल 50-60 मिलियन है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता हूँ। जो वेरिफाइड वैलिडेटेड नंबर ऑफ यूजर्स हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू वेरिफाइड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रांजैक्शंस, 34 मिलियन ऑफिशियल ऑनलाइन गेमर्स हैं। ऑनलाइन गेमर्स मतलब जो डिजिटली कनेक्टेड है, इंटरनेट पे है, खर्चा पानी करते हैं इंटरनेट पे, 34 मिलियन, राइट?
देखिए इसमें सारा स्टैट्स हर किसी के पास नहीं होता, तो आप 34 न्यूज का 38 मिलियन अज्यूम कर ले, 3-4 मिलियन ऊपर नीचे होगा, ऐसा ही होगा राइट, सिंपल कर ले, 40 कर लेते हैं ना, नहीं तो 50 कर ले। अच्छा, और ऑफिशियली अगले साल के दिसंबर तक दिस इज ऑफिशियली सेट टू ग्रो टिल 45 मिलियन, व्हिच मींस अगर आज आप 50 सोच रहे हैं तो आप कल 60 सोच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं डिजिटली कनेक्टेड, सो ये लोग रोजाना दे डेली एक्टिव यूजर्स, ठीक है। So let's say just for my round figure, 50 million people are daily active users. Yeah. Phir you're saying ki $500 million in 50 million ne kharch kiya hai. Ji. To iska matlab hai saal ka ek gamer on average $10 kharch kar raha hai. Ji. ठीक है, तो यानी कि साल के 3000 रुपए यानी कि महीने के वो आराम से 250 से 300 रुपए तो लगा ही रहा है गेमिंग, बिल्कुल एवरेज एवरेज, ये स्क्यूड है, देयर आर सम गेमर्स जो 200 करते हैं, कोई 3000 तो स्क्यूड है, बट यस। तो अगर हर बंदा 300 रुपए एवरेज यानी कि महीने में डॉलर स्पेंड कर रहा है, और अगर हम इस नंबर को 50 से 75 मिलियन पे ले जाएं और डॉलर को $2 पे ले जाएं, तो दिस इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बल्कि बिलियन एंड हाफ डॉलर इंडस्ट्री। हां, बट हियर इज द कैवियट राइट, so this number is exciting from an industry point of view because the amount of spend or the amount what people are willing to spend is a great indicator for investors who want to invest in the growth of an ecosystem. So brilliant numbers. Why does this number not excite, let's say, the state bank or anybody else? $500 million gamers ne spend kiya hai, ji ji, right? Do you know the total AdX market for digital in Pakistan is around less than that. Really? Gaming is bigger than the entire digital, and this is a number given by the big platforms, that Pakistan spends about $450 billion on digital AdX total. Paid per click chala lein us pe, Google Ads chala lein, Meta Ads chala lein, Snap, TikTok, jo bhi chala lein. The total digital advertising is less than your gaming industry. Absolutely it is. Achha, ab chakkar ye kya, theek hai, $500 million ki baat ho gayi, ab एक और इसको मैं जो फर्दर ब्रेक कर रहा है राइट, सेगमेंटेशन कर रही है, सो ये लोग जो स्पेंड कर रहे हैं गेम्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं राइट, कैन यू वॉक मी थ्रू द डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले देखें ये अंडरस्टैंड करें, बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू लेट एनीबॉडी लिसनिंग एंड नो एज वेल, जो 500 मिलियन है ना, आज 500 मिलियन से ज्यादा है, बट एवरेज में 500 मिलियन ले लेते हैं, इसमें से 200 मिलियन जो है ना वो नॉन हार्डवेयर स्पेंड है, दैट मीन्स डिजिटल स्पेंड ओनली, यानी कि गेम के अंदर जो आप टोकन्स खरीदते हैं, गेम के अंदर लेवल्स या गेम के एसेट्स बाय करना या गेम के वाउचर्स बाय करना या गेम के टॉप अप, एनी नॉन फिजिकल गेमिंग कमोडिटी इज अराउंड 200 टू 220 मिलियन आउट ऑफ दिस 500 टू 520 मिलियन, ठीक है। ये कंसिस्टेंटली इतना ही खर्च होता है, इसके अंदर आप फीफा के टॉप अप पॉइंट ले रहे हैं, पबजी का टॉप अप ले रहे हैं, व्हाटएवर, बट इट्स ऑल डिजिटल नॉन फिजिकल कमोडिटीज वी कॉल इट, एंड अराउंड 300 मिलियन जो है, और उसके ऑब्वियस बिकॉज उसका बास्केट प्राइस ज्यादा महंगी है, अराउंड 300 मिलियन इज फिजिकल कमोडिटीज, कंसोल ले लिया, कंट्रोलर्स ले लिए, फिजिकल गेम कॉपीज ले ली, एक्सेसरीज ले ली, गेमिंग रिलेटेड मर्चेंडाइज और पैराफर्नालिया ले लिया। सो इसमें एक एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं रेज करूंगा, आई एम कटिंग यू ऑफ, जो 200 मिलियन है, टू मी दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ दैट, लेट्स से 50 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 50 में से 45 मिलियन शायद इधर स्पेंड कर रही है, क्योंकि कंसोल लेना, अब कंसोल एक 2.5 से 3 लाख रुपए का तो कंसोल है यार, मैंने कंसोल जेनेरिकली कह दिया, पीपल हु बाय मोबाइल्स फॉर गेमिंग, पीपल हु अपग्रेड देयर पीसीज, पीपल हु बाय ग्राफिक कार्ड्स, बट उसका जो टिकट साइज है उसको तो ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों समझाऊंगा आपको इसके बाद। हाँ, तो ये इसका मतलब, ये जो 300 मिलियन खर्च हो रहा है मोटा मोटा हार्डवेयर पे, ये एक बहुत छोटी आवाम स्पेंड कर रही है, लेट्स से 3 से 5 मिलियन लोग ही होंगे, 40 से 45 मिलियन लोग वो होंगे जो वो 200 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं। देखिए जो गेमिंग हैबिट है ना, उसका भी मैं आपको बायफिकेशन देता हूँ, हमारे इंडस्ट्री में हम उसे कहते हैं 60-30-10, सही है, 60-30-10 रूल का मतलब है 60% आवाम मोबाइल पे गेमिंग कर रही है, अभी मैं मोबाइल की बायफिकेशन नहीं करा, कैजुअल फॉर्मल वो छोड़ दें, 60% आवाम जो है वो मोबाइल गेमिंग है, तो जितना भी आपका स्पेंड है उसको आप 60 से तकसीम नहीं कर सकते, वेट करें, 30% पीसी है, बिकॉज एंड आप ये देखें कोरिलेट कर रहा है लो बैरियर टू एंट्री पे, मोबाइल इज द लोएस्ट बैरियर टू एंट्री इन गेमिंग, पीसी इज स्लाइटली लोअर बट ऑब्वियसली द हार्डवेयर इज मोर एक्सपेंसिव, 10% इज कंसोल, दैट इज द क्रेम डेला क्रेम, ठीक है। अच्छा, आरपू उल्टा चलता है, 60% आरपू आता है कंसोल से, 30% आता है पीसी से, 10% आता है मोबाइल से, समझ रहे हैं आप, लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं ऑफ स्पेंड, ये फिर उल्टा हो जाता है कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा मोबाइल इन ऐप परचेजेस, जो पबजी एंड फ्री फायर एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड पीसी आता है, थर्ड कंसोल आता है,
So when you market or when brands market or when you try to push a product, you're chasing a certain metric you want. If you want volume, that's why you see the PUBGs and Free Fires of the world mass push. तो मुझे अगर कोका कोला या पेप्सी बेचना है, मुझे बेचना है अपना मोबाइल गेम्स पे. मोबाइल आप डिपेंड करता है. सोलफेस्ट बेचेंगे कोका तो कंसोल और पीसी पे बेचेंगे. सोलफेस्ट हाँ वहाँ बेचेंगे. वहाँ बेचेंगे. उसकी डेमोग्राफिक अलग होगी. द गेम्स यू चूज, यू विल नॉट से वहाँ फ्री फायर कॉम्पिटिशन हो रहा है, यू विल से वहाँ फीफा कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ टेकन कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ वैलोरेंट कॉम्पिटिशन हो रहा है. सो यू विल हैव दिस and without fail every single time you will get that specific target market. So mujhe let's say abhi ek concert maine dekha tha yahan pe, there's a concert being advertised jisme Hasan Rahim Taha ji JS wagera kisi ka concert. Exactly. Ab wo 2,500 rupees ka ticket hai uska. If I want to advertise that concert, the right place would be to the console or PC gamer, yes, not to the mobile gamer. Yes. Kyunki uske paas spending power nahi hai. Spending power nahi hai. Aur as a concert organizer maybe aapko wo demographic chahiye hi nahi. Lekin mujhe agar biscuit bechne hain to mobile pe bechenge. तो अब अभी मैं एडवर्टाइजर पे आता हूँ, लेकिन एक स्टेप मैं पीछे दोबारा लेना चाहूंगा. तो अब जो गेम टाइप्स हैं, राइट, सो देयर इज एज आई अंडरस्टैंड कैजुअल गेमिंग, देयर इज रोल प्ले, देयर इज ई स्पोर्ट्स. वॉक मी थ्रू. आई एम नॉट द लास्ट, आई हैव अ कंसोल लेकिन आई हैव नॉट प्लेड गेम. देखिए मोबाइल में तीन किस्म के गेम होते हैं. ठीक है. हाइपर कैजुअल, विच इज योर कनेक्ट द डॉट, कलर द पिक्चर, विच आर ऑल्सो laughingly referred to as toilet game, bathroom games. That stuff that you play when you have 5 minutes to yourself. It's very low stress. You're just connecting dots or doing colors or shapes or whatever. That's hyper casual. Anybody can pick it up, right? Right. And that's also the first thing they teach kids to code as well. So, ye basically, agar main, if we date ourselves, Nokia ka jo snake hota tha. Yeah, hyper casual. Wo hyper casual. Hyper casual, right? Like anytime, pick it up, killing time. Number two is casual. Casual means less hours put in, but does not necessarily mean that less complex, right? Candy Crush? Candy Crush. Subway Surfer? Subway Surfer, Candy Crush, Matching Tiles, Mahjong, stuff like that, right? So casual means the nature of the game, not necessarily the kind of effort you put into it. Mm. And the third is formal or triple A games. That is if you decide to play Free Fire on your mobile or Clash of Clans on your mobile. Mm. Clash of Clans is clearly not a pick up and play game, right? Mm. Or if you're playing Free Fire or if you're playing Football Manager 2024 on your mobile. That's AAA formal gaming. So mobile is very easily categorized into three areas. Hyper casual, casual and then formal gaming. Achha, ye tino mobile gaming hai abhi. Tino mobile ki baat ho rahi hai. Theek hai. Isme aapke mulk mein sabse mashhoor jo hai wo PUBG hai. वो आते हैं ट्रिपल ए में. वो पबजी है सबसे मशहूर, राइट, बिकॉज पबजी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ मेकिंग दैट आईपी रन रियली वेल ऑन रियली चीप फोन एज वेल. सो बैरियर टू एंट्री मस्ट बी, और है फ्री गेम. अच्छा, तो यू आर सेइंग कि पबजी की सक्सेस का जो बुनियाद है इज इट्स एबिलिटी टू रन ऑन स्लो इंटरनेट. स्लो इंटरनेट एंड स्लोअर मोबाइल्स. एंड स्लोअर मोबाइल्स, यस, स्लो मोबाइल्स. नंबर टू इज फ्री फायर. इट्स अ वेरी क्लोज नंबर टू इन पाकिस्तान. इट्स अ ह्यूज पबजी कंपेटिटर. नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, दे वेरी सिमिलर गेम्स. अगर मैं आपको बोलूं आपके मुल्क में लास्ट ईयर क्लोजिंग पे सबसे मशहूर जो गेम था वो ट्रक सिम्युलेटर था. ट्रक सिम्युलेटर. एंड यू वुड हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब, ट्रक सिम्युलेटर, ड्राइविंग अ ट्रक ऑन अ हाईवे, टॉकिंग इन पंजाबी और सिराइकी और व्हाटएवर, एंड दे हैड लाइक 10-20,000 पीपल वॉचिंग देम एंड फॉलोइंग. यू जोक है. ट्रक सिम्युलेटर. तो मैं अपने, एक सेकंड, यू आर सेइंग कि मैं अपने मोबाइल पे बैठ के ट्रक सिम्युलेटर खेल के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और लोग देख रहे हैं और पूरी दुनिया में ये लोग देख रहे हैं. यार बड़ा फर्क है. एटलीस्ट पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं. एंड वो सिराकी बात कर रहे हैं. आपने इस मुल्क के मुझे हालात की आपने वजह बता दी है. कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है. ट्रक सिम्युलेशन की वीडियोस देख रहे हैं. काम किसी ने नहीं करना. एंड देन देयर इज अ वेरी पॉपुलर गेम कॉल्ड लूडो स्टार. आई हैव सीन दैट. वेरी वेरी पॉपुलर. इट शॉट टू इनफेमी इन कोविड. People would have Zoom sessions and play Ludo Star. Hmm. So Ludo Star would fall into hyper casual. अच्छा. Hyper casual. तो अब ये हो गए हमारे मोबाइल के गेम्स. अब is the same breakout applicable in PC and console? No, not really. So PCs have a very different categorization. The AAA remains the same. Hmm. The AAAs would always be your Call of Duty and your Fortnite and all of that, right? But you have very specific games in that. So AAA mein there are strategy games. So like Dota, League of Legends, Warhammer, World of Warcraft, Manor Lords, Command and Conquer, all of that. Mm. Those are a very specific category. And that's the reason I mentioned that is very important is because those categories, except for Dota and League of Legends, don't really have a
an esports or broadcast quality personality to them. So you never see World of Warcraft ever being streamed or having a competition. But iski wajah ye because it's a longer game, right? So strategy is a longer game. So the only two games that are slightly more faster, which is League of Legends and Dota, uske tournament hote hain. They're some of the biggest in the world. Right. Dota ka to aapka Shumail Pakistani hai, wo millions of dollars kama chuka hai. So that's one part of gaming. Theek hai. Then there is a very big part which is categorized as battle royale or multiplayer games, right? So usme aapka again PUBG on PC, Fortnite, Valorant, Apex, Counter-Strike 2, which is again the largest, biggest played game in the world right now. All of these are very big. A, they're first-person shooters, which are very popular. Secondly, they have a very large audience in terms of esports and competitive play. Aapke mulk mein, and we can get into that later, most of the professional female gamers are Valorant players. Most of the professional female people who've been signed from Pakistan are Valorant players. This is something very good at Valorant. Right? Female gaming pe to abhi aate hain. That's a good topic. Yeah. This is one part. And then the third on PC is like very high-end stuff. Like, it will never have a competitive edge to it, but like 5-5 lakh rupay ke PCs jisme log cyberpunk khel rahe hain with, you know, full specs on and all of that, they will never be competitive. That's just like expensive console games. So wo AAA, quadruple A level spend on PC. So wo AAA mein aa jayenge sare. Acha, and what about Gran Turismo and FIFA? Where do they fall? So FIFA is comes into the competitive side of things in the middle, jo maine aapko bataya, with the Valorants and the Counter Strike. So wo multiplayer game mein aa jayega. Multiplayer game mein aayega. They have a huge... unki separate category nahi hogi esports type ki. Sports ki koi category nahi hoti, because not all sports have e-following. So for example, this year is the first year NFL has done e-NFL. Now you would assume Madden is a franchise that's been alive since I was in class 8, right? But Madden, it never picked NFL up. Never had it. This NBA is the first tha, year. Yaar. NBA abhi bahut bada hai, lekin NBA ki e-sports nahi hoti. But what that, I remember NBA khelte the bachpan mein, Madden khel chuke hain. Lekin they never took off the way FIFA did. Because FIFA as an institution, as a body, they focused on this. It really had a strong focus, thanks to Electronic Arts back in the day, where they really wanted to be in the home of every kid. FIFA, think of it for a minute. MLS just became big 7 years ago. But why has FIFA been the top-selling soccer game in the US since like forever? Because the game was like put into the hands of kids and adults in the US and non-soccer, non-football. Do you think that's market. The reason why soccer and football is so popular in the US and globally is because of gaming? Yeah, not because, but largely in part of gaming. Largely because before the MLS became big, the only exposure people had to soccer, it was only played two places. And you can fact check me on this. It was played in high schools, mostly by female teams. Soccer was not a guy's sport. That was football. And secondly, video games. FIFA was a big franchise. And FIFA, the federation, has always had a very strong focus on digital content. It always has. It's always been the forefront of technology. And now, I think you all know, last year, FIFA, after about 3 decades, took the name back from EA Sports. EA Sports doesn't have it anymore. Because FIFA is now producing its own football game for 2025 called FIFA Football. And EA is now going to be called EA FC. So that's a completely competitive, different area that's coming up now. And hopefully by next year, eNFL will be a big thing. They've signed with a few large companies. So it's pretty big. So now, I'll come back again. Mobile ke liye jo categories thi, hyper-casual, casual or formal. Console ki categories are multiplayer, strategy and formal. Yani ke jo triple A player. तो अगर ये मोबाइल और कॉन्सोल सॉरी कॉन्सोल नहीं था, ये था पीसी. कॉन्सोल में क्या फर्क है गेमिंग का? देखिए, कॉन्सोल में मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट आर बिग आर सिंगल प्लेयर गेम्स. कॉन्सोल इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, राइट? और मल्टीप्लेयर टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ काउच मल्टीप्लेयर, व्हिच वी कॉल इट, कि फैजान बैठा है तो फैजान के साथ मैं बैठ के रेसलिंग खेल रहा हूं या फीफा खेल रहा हूं या यू नो व्हाटएवर फर्स्ट पर्सन शूटर खेल रहा हूं. सो इन पर्सन मल्टीप्लेयर हो गया एक तरह से. ऑनलाइन मल्टीप्लेयर जो कंसोल में है ना, वो एग्जैक्टली वही है जो बाकी दुनिया में है. वही फोर्टनाइट है, वही कॉल ऑफ ड्यूटी है. एंड अब तो ये हो गया कि बिकॉज द प्लेयर ओवरलैप इज सो मच दैट ऑल ऑफ देम एज ऑफ 2021 डिसाइडेड टू इनेबल समथिंग कॉल्ड क्रॉस प्ले.
विच मेंट कि मोबाइल कंसोल और पीसी वाला अगर उस वक्त वही गेम खेल रहा है दे शुड बी एबल टू प्ले विद ईच अदर. अच्छा पहले ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं था पहले. इट वाज वेरी हार्ड. तो मोबाइल वालों के साथ खेलते थे कंसोल वाले. कंसोल में भी प्ले स्टेशन वालों के साथ, एक्सबॉक्स वाले एक्सबॉक्स वाले. तो एक से अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं कम्युनिटीज में, ठीक है ना, तो जो कंसोल वाला है प्लेयर SCCA AC में बैठा हुआ, बड़ा टीवी होगा सामने, घर में बैठ के चिल करके गेम खेल रहा होगा, वही गेम अगर मैं एक मोबाइल यूजर को देखूं तो उसका जो पूरा एपराटस है वो 20-25-30,000 रुपए से कम का गेम खेल रहा होगा, एक बाहर माहौल में खेल रहा होगा, शायद उसके दो दोस्त साथ बैठे हुए होंगे या कॉलेज में होगा. कंप्लीटली डिफरेंट डेमोग्राफिक. गेम प्ले एक है. अच्छा इसमें चैलेंज आ जाता है एडवर्टाइजिंग परस्पेक्टिव से. एडवर्टाइजर डिस्टिंग्विश कर सकता है या डज इट अलाउ द एडवर्टाइजर टू डिस्टिंग्विश कि मैं पबजी के यूजर को मुझे सर्व करना है एड यूनिट, ठीक है, और मैं लेट से माउंटेन ड्यू या स्टिंग कोला बेच रहा हूँ विच इज टारगेटेड टुवर्ड्स अ मेल ऑडियंस जो मुझे पबजी पे मिलेगी, लेकिन जो स्टिंग की ऑडियंस है मुझे प्रोबेबली मिलेगी मोबाइल पे और मुझे शायद माउंटेन ड्यू की ऑडियंस मिलेगी कंसोल पे. तो जब मैं एड यूनिट सर्व कर रहा हूँ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? यू कैन, बिकॉज़ पबजी क्लासिफाइज इटसेल्फ इनटू टू डिस्टिंक्ट आईपीज. वन इज पबजी एम व्हिच इज पबजी मोबाइल, राइट, एंड वन इज पबजी क्लासिक व्हिच इज ऑन कंसोल्स एंड पीसीज. सो एंड व्हाइल यू हैव क्रॉस प्ले बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ पुशिंग एसेट्स यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक ऑन व्हेयर यू वांट टू पुश एसेट्स. एंड दिस लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी डज इट अप्लाई टू ऑल गेम्स? All games that are cross-platform, yes. All games that are cross-platform. Yeah. So, for example, you wouldn't need this level of specificity if it was cross-platforms on console, matlab Nintendo, Xbox, PlayStation. Then you wouldn't care because they're the same demographic, they're the same SEC. Mm. This question will only come in if there's cross-play between mobile and console. And there are very few and far between. Total 3-4 IPs hain jin mein ye crossplay hai. Baki they are very specific to their own universe. Achha, and then within this also, there's probably sub-categories also. Okay, there's a archetype of a persona that are, let's say, PlayStation owners, right? Yeah. There's an archetype of, let's say, Xbox owners. Yeah. There's an archetype of, let's say, you know, high-end PC owners. Yeah. High-end mobile owners, low-end mobile owners, Samsung owners, versus, let's say, the Chinese mobile owners. Can you create that level of segmentation? No, you can't. You can't. You can't. Because when you do that on digital media, it's dynamic, right? When you do that in Meta, it's dynamic because it doesn't have a fixed asset that it's running, for example. Asal mein Meta pe jab karte hain na, hum toh interest dekhte hain. So, for example, someone who's a Meta user. I know, profiling karte hain, cheezein karte hain. Toh main wahi samajhna chah raha hun, can you do the same on gaming? Because cost of asset bahut low hai na, aapne agar 4 alag kism ke ad bana diye aur Meta ko bata diya, in scenarios, na pe yehi ad chalane. In gaming, it's pretty much for the time being set in stone, right? Like an asset, it's been millions of... So you can't really do that. What you could do is, like I said, with console, mobile ki bifurcation. Achha, ads to waise bhi console pe nahi hote. Console mein to it's a no-no. You can't show because ads. Paid for the game. 100%. So there are no ads. So what people do, and that's why only big brands do it. What people do in console is they have in-game assets. So Pepsi will pay for in-game assets. Ki ji, mere Pepsi ke cans will appear as power-ups for the next 1 month, right? Or the next 2 weeks, 3 weeks, whatever. Coke will pay ki mera billboard lagana chahiye is famous map ke upar, or this part of Fortnite map for the next 2 months. Knorr has just done it with, or Knorr, whatever you say, has just done it with Fortnite globally. The vegetable mascots it has, it's littered across the Fortnite map as power-ups. Yeah, abhi is ho raha hai, right? Because they want the asset in-game. But obviously, that's a lot more expensive. Mobile, when you want to do this, it's decidedly cheaper. For example, Pakistan, Free Fire is doing it with a few brands. I know for a fact they're going to do it this summer and all of that. So, you can do asset placement this way, but thoda sa broad stroke, unfortunately, hota hai. Because you have to be like, okay, this is my SCCA ke liye hai. SEC ने भी अगर देख ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज SEC की ऑडियंस इतनी बड़ी है, राइट? और वाइस वर्सा, ये SEC के लिए है, मुझे पता है SEC इतनी बड़ी है, खेल रही है, तो अगर 2 लाख बंदों ने SEC की भी देख लिया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट? सो दैट्स, आई एम सॉरी, दैट्स द ओनली लेवल यू कैन गो टू राइट नाउ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हैविंग डायनामिक एसेट्स इज जस्ट टू हाई. लाइक फैजान अगर SEC है तो गेम अपने आप को रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता. फैजान को रोलेक्स दिखा दे और किसी और को घड़ी ना दिखाए जूते दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता. It's not possible right now. Right. Maybe in the future with generative AI and stuff. I'm sure.
तो अब सो फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ समरी पर्सपेक्टिव, गेमिंग के अंदर जो तीन सेगमेंट्स हैं मोबाइल पीसी कंसोल, विद इन दोज तीन देयर थ्री फर्दर कैटेगराइजेशंस, कंसोल इज द हार्डेस्ट टू सर्व एडवर्टाइजिंग इन, मोबाइल इज प्रोबब्ली द इजीएस्ट टू सर्व एडवर्टाइजिंग इन. सेगमेंटेशन वाइज यू कैन गेट टू अ सर्टेन लेवल ऑफ सेगमेंटेशन, लेकिन उस तरह सेगमेंटेशन नहीं हो सकती जो सोशल मीडिया में हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो इंटरेस्ट बेस्ड सेगमेंटेशन है, यहाँ पे वो उस लेवल पे नहीं अभी एट दिस पॉइंट नहीं जा सकते. ठीक है, सो देयर इज सम लिमिटेशन फॉर एन एडवर्टाइजर, बट बिकॉज यू समराइजिंग इट, आई विल जस्ट कैप इट ऑफ विद अ स्टेटमेंट के व्हाट वी यूज विद हाई लेवल गेमिंग टुडे, because it cannot segment like that, is proxy methods. So for example, esports tournaments, pop culture events, stuff to create brand affinity. So we use that angle to create brand resonance rather than showing up on someone's news feed or timeline. Right. So now let's say I take a step back and I say, you know what? You've told me that this is a $500 million industry in Pakistan. Okay, it's my hardware side bhi hai aur power up side bhi. Let's say the in-game spends that take place. ये अच्छी खासी एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें पोटेंशियल है कि ये डबल हो जाए साइज में. अच्छा, एज आई एम थिंकिंग अबाउट इट, देर आर थ्री वेज दैट आई सी यू कैन पार्टिसिपेट इन द गेमिंग इंडस्ट्री फॉर फाइनेंशियल गेम. ठीक है, और बिल्ड अ करियर इन इट, हाउएवर यू वांट टू लुक एट इट. मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है नंबर वन वो ये है कि यू बिकम ए गेम क्रिएटर. ठीक है, द सेकेंड थिंग यू कुड डू इज यू बिकम ए गेम प्लेयर. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग यू डू इज यू बिकम ए लेट्स से प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज जो इंटरनेशनल कंपनीज को पाकिस्तान में लो कॉस्ट रिसोर्सेज के साथ कुछ एरियाज में सर्विसेज दें, चाहे आपने लेट्स से एनिमेशन की सर्विसेज दे दी, चाहे आपने लेट्स से डेवलपमेंट की सर्विसेज दे दी, चाहे आपने होस्टिंग की सर्विसेज दे दी, व्हाटएवर द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइडिंग. ये मुझे तीन एरियाज नजर आ रहे हैं जहां पे आप गेमिंग इंडस्ट्री में पैसे कमा सकते हैं. जी, is there a fourth? No, so there's not even three. Achha, there's not even three. That's okay. So आपका पहला point और तीसरा point actually same है. आपने कहा game create करना. अब चाहे मैं दो दोस्त हूँ, अकेला हूँ, या मेरे पास 100 लोगों की टीम हो, गेम क्रिएट करना, और तीसरा आपने कहा गेम की सर्विस देना. जो पहले वाले में मैं सोच रहा हूँ कि गेम पब्लिश मैंने खुद किया. हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान में आज ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में बिकॉज अंटिल वेरी रिसेंटली देर वॉज नॉट अ लार्ज लोकल कंजम्पशन ऑफ कॉन्टेंट, और लेट्स से देर वॉज नॉट मच डेटा अराउंड लार्ज लोकल कंजम्पशन ऑफ कॉन्टेंट. स्टूडियोज आउट ऑफ पाकिस्तान हैविंग ट्राइड इनिशियली इन द अर्ली 2000s डिसाइडेड टू बी सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस शॉप्स, राइट, एंड देव डन फैंटास्टिकली गुड एट इट. टूडे पाकिस्तान्स सर्विस इंडस्ट्री फॉर गेमिंग स्टैंड्स एट अबाउट $230 million अ ईयर. That's right? Separate from that 500 ये तो game खेला है, ये तो अलग है, ये तो वो है service industry की size बता. तो 500 million तो game players की है, 250 let's say million की service industry है. Service industry जो आपने point three बोला, इस तक point three और point one एक ही चीज है. Right. वो ही company services दे रही है बहुत बड़े-बड़े publishers और game studios outside, all your Riot Games and your EA and everybody, right? लेकिन वही कंपनियां अपने फारे time में they have allocated certain number of resources to creating their own IPs as well, right? Because what is the golden goose or the golden egg or whatever you call it, the pot at the end of the rainbow? That's कि यार मेरी अपनी IP हो जिसके मुझे किसी को पैसे ना देना पड़े, और मैक्सिमम मैं किसी से पब्लिशिंग डील कर लूं कि तुम इसको पब्लिश करो और मुझे उसके 30-40% हर महीने या हर साल मिल जाए करे, बैठे बैठे घर पैसे. हाँ, ठीक है, that is the goose that everybody's chasing. That still hasn't been done yet. अच्छा, यानी कि कोई मेजर गेम पाकिस्तान से पब्लिश नहीं हुआ है? नहीं. हाँ, एक दो बड़े स्टूडियोज हैं, सो फॉर एग्जाम्पल माइंडस्टॉर्म एंड अ कपल ऑफ अदर्स, दिस आर द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान. दे हैव क्रिएटेड कैजुअल मोबाइल आईपीज दैट जनरेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डॉलर्स वर्थ ऑफ रेवेन्यू एवरी मंथ, राइट? बट दैट्स एज फार एज वीव गॉन राइट नाउ, दैट्स एज फार एज वीव गॉन, एंड दैट्स ओके बिकॉज वी वर जनरली. सो इफ यू कंपेयर इट टू इंडिया ड्यूरिंग द बूम ऑफ द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, गुड़गांव का जो था, India became so outsource focused because it was bringing in trillions of dollars in revenue that they did not become product focused. They didn't have a product to their name, right? But they were service providers. Until then, Zoho happened, which is one of the largest office suites in the world. It's based out of India. And then a couple of others, HRMS and web MD type platforms. And because for so long, something had been working so well for them. Mm. They had no need to address a pivot in a growth phase. But then obviously, when you had all these Indian CEOs come across the world, become like heads of companies like Sundar Pichai and Satya Nadella,
And then India kind of went like, hey, now we need to, not pivot, but we need to focus equally on having a product set as well, so that tomorrow if AI and all comes in and nobody wants to code anymore, the coding will become obsolete, but the product won't, because a product serves a certain need. And so that's where we are right now. So there are three ways, if you want to still say three ways to earn money, there are three ways to earn money today in 2024. One is be a game studio or be a game developer, which means keep creating these mobile games and stuff that are cheaper to do, make money off them, off the ad network, off the spend, and also get contracts from big mobile and or desktop console companies across the world. Dollar revenue, fantastic. Good for the company, country, good for you. That's number one. And there are about 45 to 50 studios now in Lahore alone. Lahore is the epicenter of game development, because Punjab was always the epicenter that way. And that's always been the case. The number two way to earn money in gaming right now is content creation. And when we say content creation, I say it very broadly. Esports, media, shows, digital shows, you know, all kind of content. So that's the second biggest way to do it. You know, do esports across Pakistan, millions of dollars spent on advertising and brand integration, create podcasts, create original videos. There's a lot of this stuff happening. You can Google it. You'll see streamers are creating content. 2-3 million views hai, So, you're saying that there is revenue to be created on the content side. Lekin, jo revenue earn karenge, wo different hai. For example, ek to wo log jo event host kar rahe, right? So, for example, there's an a PUBG event that takes place, and you bring in gamers who play, and there's a prize money. That in itself creates content. वो एक अलग industry है. अच्छा वो एक अलग देखें. पहले gaming industry, game creation हमने अलग कर दी. वो तो game creation अलग. वो तो software टाइप अलग कर दिया. Done. दूसरी industry चले आसानी के लिए कर लेते. दूसरे पे लाते हैं professional gamer. The Arsalan Ashes of the world. ठीक है. Or the Atif Butts of the world. What is the likelihood of someone making in professional gaming महीने के 5-10 lakh रुपए? Today, not very high. अच्छा, इट्स नॉट वेरी हाई, लेकिन इतना इसको ग्लैमराइज किया गया. आपने 5-10 lakh रुपए बोला, मैंने ये नहीं बोला महीने के पैसे नहीं बनते. महीने के आज 5-10 lakh रुपए हर बंदे के नहीं बनते, ठीक है? बिकॉज मेजोरिटी जो मैस है वो गेमिंग, लोकल गेमिंग ही कर रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल गेमिंग तो अभी कर नहीं रहे. तो डॉलर में कोई $10,000-20,000 का प्राइस पूल तो आ नहीं रहा. तो लोकल प्राइस पूल कौन से कितने होते हैं? 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, 4 lakh rupees, 50,000 rupees, नेबरहुड टूर्नामेंट्स 50,000, 20,000, 30,000. सो आज गेमिंग में हम उस दिन गवर्नमेंट को बता रहे थे 20-30,000 rupees महीना मिनिमम वेज तो आज आप कमा सकते हैं गेमिंग से, घर बैठ के, मतलब टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेके. थोड़ी सी तो एफर्ट करनी पड़ेगी. अगर आप बहुत अच्छे हो गए तो आप 1-2 lakh वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है? अब जैसे मैं आपको एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम नहीं लूंगा मैं, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर रहा था पिछले दिनों उनका, बिकॉज वी ऑल्सो डू एजेंसी एजेंट कॉन्ट्रैक्ट. उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से रखे इसको और दे, उसकी महीने की आमदनी 72 lakh rupees. 72 lakh rupees महीने की आमदनी है, ठीक है? ये तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के सीईओ से ज्यादा. हाँ, एंड आई एम श्योर उसका शेयर उसकी लीक को भी जाता है, वो भी जाता है, बट मैं तो मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, जो उसकी किटी में गिरता है. उसकी सारी बातें रेवेन्यू शेयर है कुछ, बट आई कैन टेल यू कि उसने उस पैसे तक पहुंचने के लिए मतलब जिंदगी लगा दी, जिंदगी लगा दी. बिकॉज इफ यू प्लक्ड हिम at his nascent stage, you would not have assumed कि ये बंदा 72,000 rupees कमा सकेगा. So there's a lot of... कितने साल लगे होंगे इसको यहाँ तक पहुँचने? 8-9 साल. 8-9 साल, और दिन में कितने घंटे खेलता होगा ये? 12 घंटे दिन में खेलता है. Camp, training, diet. Diet? Diet. What does diet have to do with gaming? Yeah, like they you have no idea. अभी मैं उसमें आता हूँ. So basically 72 lakh का जो हम लेवल सुनते हैं, बट ऐसे कुल मिला के आपके मुल्क में 2 लोग होंगे मुश्किल से. तो एक तो अरसलान ऐश हो गया, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूंगा आपको, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे मुल्क में 2 लोग होंगे मुश्किल से आपके. तो मतलब इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में, where you said, let's say between 35 and 50 million gamers हैं, you can't even count 10 people that earn north of 10 lakh rupees. No, I can't. तो ये तो बड़ा, this is alarming. I thought this would be higher, yeah. नहीं, I wish it was higher. See the so I don't, so I'm now confused. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब there's 35 to 50 million gamers. You don't have more than 10 people making $3,000. So there's what's the disconnect? That I don't know of 10 people that are making $3,000. I'm sure there are quite a few who are making. देखिए,
अब इसमें भी कैटेगरीज है। अच्छा, इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग और पोकर वो सब चीजें तो हैं। देखिए, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स लाइक द डकी भाईज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड मिस्टर बिग एंड ऑल ऑफ दैट पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स देयर आर लाइक हंड्रेड्स दैट आर मेकिंग मोर देन 10-15 लाख पर महीने, लाइक हंड्रेड्स। लेकिन वो सिर्फ स्ट्रीमिंग कॉन्टेंट दिखा रहे हैं, खेलते भी होंगे बट उनकी लाइवलीहुड गेमिंग नहीं है, उनकी लाइवलीहुड गेमिंग कंटेंट है। समझा मेरी बात? बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैं गेम खेल के उसका वीडियो रिकॉर्ड करके स्ट्रीम कर बातें कर रहा हूँ यूट्यूब पे। एग्जैक्टली, और उस यूट्यूब कंटेंट को लोग देखते हुए मुझे एड रेवेन्यू मिले यूट्यूब का, एड रेवेन्यू और डायरेक्ट स्पॉन्सर रेवेन्यू एज वेल, उस पे मैं कमा सकता हूँ। उस पे तो बहुत लोग हैं भाई, लिस्ट खत्म हो जाएगी। सो प्रोफेशनल गेमिंग में कैसे कम हैं या लोग, मतलब इट्स हार्डर टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू मेक मनी इन प्रोफेशनल। थोड़ा मैंने आपको आपकी स्ट्रेस लेवल कम कर दिया बता के गेमिंग रिलेटेड इकोनॉमी में लोग हैं ऐसे जो बना रहे हैं लाखों रुपए। अच्छा, सो स्ट्रीमिंग साइड पे अगर मैं कहूँ, कंटेंट साइड पे 5-10 लाख रुपए कमाना कितने लोग होंगे, कमाना हंड्रेड्स हंड्रेड्स। सो दैट्स वेयर यू वांट टू प्ले। एक अब बस बात है, ठीक है, व्हिच इज व्हाई व्हेन यू आस्क मी व्हाट वी डू एंड व्हाट आई जेनरेट, इट्स अ कंटेंट प्ले because that's where the money is right now, right? Because that's where the brand affinity is right and you're now. The editor-in-chief of IGN, the Imagine Gaming Network. It's the largest gaming network and gaming media platform in the world. And they aggregate content around gaming. Yeah, gaming and pop culture. So gaming, it used to be gaming, now it's anime, manga, cosplay, movies, right. Music. Right. They're in about 121 countries, more than 500 million visitors on their assets monthly. So this is the space to play in if you want to make money related to gaming sitting in Pakistan. Yes, at the moment. At the moment, right? Now, but your conundrum on the disconnect, I stand by and I will address it. Bilkul theek keh rahe, kyun nahi hai meri sports mein paisa? Ab main aapko samjhata hoon. India was at a very similar crossroads in 2018. Mobile spend was on billions of dollars in gaming. सोचें अगर मैं 500 million कह रहा हूँ तो यार इंडिया का साइज तो जियोग्राफिकली ही इतना बड़ा है कि आप कुछ भी ना करें वही आपको मल्टीप्लाई कर ले तो 2-3 billion dollars बन जाते हैं, ठीक है? The problem was advertising. And this is a very uncomfortable part of the conversation whenever I sit anywhere. उस दिन भी मैं बात कर रहा था. It's advertisers, lack of knowledge on the advertisers part, lack of awareness, lack of the desire to do anything out of the ordinary on the brand managers and the advertisers and the media buyers and the agencies part. Complete apathy. Basically, आप कह रहे हैं सारे brand manager नाकार हैं. Sure. Right? And I'll tell you why. So then what happened was, Jio, Reliance and all, in 2019. This is the Jio of India. India, JIO, Jio. And they went like, okay, yaar, so we have a lot of content that's, because they have a telco network, so they know exactly क्या दिखा जा रहा है, क्या है, वो है, watchdog तो होता है ना. And so they're like, यार इतना करोड़ों घंटों का कंटेंट देखा जा रहा है, करोड़ों घंटे की गेमिंग की जा रही है, बिकॉज ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स दे नीड टू ऑप्टिमाइज इंटरनेट राउट्स एंड यू ओनली ऑप्टिमाइज इंटरनेट राउट्स फॉर थिंग्स दैट आर पॉपुलर। सो फॉर एग्जांपल, आई नो फॉर अ फैक्ट जब मैं स्टॉम फाइबर में था तो वी वुड ऑप्टिमाइज राउट्स फॉर प्लेस्टेशन ट्रैफिक, क्योंकि एवरीबडी वुड कॉल द कॉल सेंटर से बहुत लेटेंसी आ रही है, हम प्लेस्टेशन नेटवर्क पे चीजें नहीं चल रही है, वी बी लाइक ओके श्योर यू नो वी लाइक एंड एज एन आईपी प्रोवाइडर यू कैन आइडेंटिफाई द network and the network and the usage. Yeah, 100%, right? So they said, "Yaar, ye bahut awam Indian jo hai, wo ye kar rahi hai, and that's fantastic." And then they said, "Okay, so they're a far more collaborative country." So they spoke to Airtel, and then they spoke. They said, "Yaar, aap usse baith ke dekhte hain, bro, what the hell? It's like karodo ghante ka gameplay and video and all of that." And then they said, "Yaar, let's monetize this by getting into esports." Because somebody is clearly playing it. And people are competing. And people are consuming. And what are they consuming? They're consuming competitions and tournaments and all of that. And now India in just 3 years is more than a $300 million esports market. But the, because they served a need that was there. Right? Aaj Pakistan mein kya issue hai? Just like the media industry was, just like the drama, TV, serials and stuff, and these studios used to complain, for the longest time, the government never formalized or institutionalized the entertainment industry. You know this for a fact. But until very recently, there was no laws around it. You couldn't go into arbitration because it wasn't a recognized industry, you know, all of these things. Esports is right now in those fringes. Okay? There is no formalized legal structure around it. There is no contract structures around it. Log handshake ke upar kisi team mein khel rahe ho to unko paise de na de.
देख, कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए ना फंडामेंटल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. पीपल नीड टू नो वेयर टू गो, वेयर टू साइन अप, व्हाट द लीगल प्रोसेस इज, व्हाट द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड लुक लाइक, स्टैंडर्ड तनख्वाह क्या होनी. आज एक बच्चा अगर एमबीए करके निकलता है, अगर आप ना भी बताएं अपनी बेटी को, शी विल नो यार एवरेज तनख्वाह ये होनी चाहिए मेरी ग्रेजुएशन के बाद, बिकॉज द फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट अराउंड एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज, नो सच थिंग एग्जिस्ट फॉर ई-स्पोर्ट्स टुडे, राइट. सो हो क्या रहा है, पीपल डोंट नो हाउ टू गेट इनटू इट, पीपल आर गेटिंग इनटू इट इन अ वेरी इनफॉर्मल मैनर, गली कूचों में खेल लिया, कोई लीग्स एग्जिस्ट नहीं करती. और उसकी रीजन ये है, देखें नजान, लीग्स पैसे कैसे बनाती है, जस्ट लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, एडवर्टाइजर और स्पॉन्सर्स है, और कोई चीज नहीं है. देयर इज नो जरिया इन द वर्ल्ड फॉर दीज थिंग्स बिसाइड्स एडवर्टाइजिंग. आज अगर फीफा को सडनली डिसाइड करें लोग, या मैनचेस्टर यूनाइटेड को सडनली डिसाइड करें कि हम एडवर्टाइजिंग एक रुपया नहीं मिलेगा एडवर्टाइजिंग, सिर्फ टिकट सेल से गुजारा होगा, यू थिंक दैट द क्लब विल रिमेन द वे दैट इट इज? नॉट एट ऑल, राइट. सीजन टिकट्स आर व्हाट, लाइक 1,000 pounds और 800 pounds, उससे तो गुजारा नहीं होता. पाकिस्तान में अभी भी, एंड आई हैव सेड दिस इन राइटिंग समवेयर एज वेल, ब्रांड मैनेजर्स, एजेंसीज, मीडिया बाइंग हाउसेस थिंक गेमिंग इज सुपर मारियो. आई एम नॉट किडिंग. ओ हाँ, हम मैट्रिक में थे, निंटेंडो खेलते थे. भाई तो क्या बात कर रहे हो, इट्स लाइक द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन. दे थिंक गेमिंग इज सुपर मारियो. And the minute you tell them e-sports pe kharch kare ya tournament pe kharch kare, is pe kare, you know what they start doing? And I know you're a big partner of theirs, and I in no way mean them disrespect. Meta ne aadatein kharab kar di logon ki. People don't understand digital world ki advertising kya hoti hai aur offline world ki advertising kya hoti hai. Theek hai? When we're doing these e-sports and stuff, or we give proposals, and we know in our gut this is like the most beautiful marriage of brand and and activity, our kya fit hai? कितने लोग गारंटी कर सकते हैं आप, ये कितने लोग देखेंगे? आई एम लाइक, हाउ डू आई नो? लाइक आई एम गिविंग यू अ प्लान दैट इज लाइक बेस्ट ऑफ माय लाइक माय अंडरस्टैंडिंग. नहीं, लेकिन मेटा में तो जब मैं लाख रुपए डालता हूं, तो मैं जब क्लिक 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 करता हूं, वो बोलता है इतने लोग तो. हाँ, लेकिन वो मेटा है ना बस, वो ऑनलाइन है, वो डिजिटल है, वो डेटाबेस फेसबुक की है. वो गारंटी कर सकता है कि अगर आपने बोला है कि 14 साल की उम्र से लेकर 18 साल की लड़कियों ने इस कॉस्मेटिक गेम पे क्लिक करना है, तो यू कैन प्रीटी मच गारंटी दैट इट विल शो अप. दे कांट गारंटी दे विल क्लिक, but they'll guarantee that it'll show up on their timeline and based on demographics. Itna main offline mein aapko kaise batau ki mian wali se kitne log aayenge ya gujra wala se kitne log aayenge, and that's all the, and that's where the problem is. Everybody, every brand manager today is measuring metrics as if they're running Meta in real life. Event pe kitne log honge, kitne log dikhenge, kitne log sign up karenge. Nobody can tell you that. Nobody in the history of the world has been able to tell you that. Everybody, and even if they do tell you that, they can't tell you the direct impact on sales. Exactly. Exactly. असल में challenge तो ये आता है ना, Meta में अगर मैं कह भी दूँ कि यार चलें ठीक है आपके 10 million views Meta कह रहा है कि आ जाएंगे, how do any of conversion तो नहीं बताया, कोई बता ही नहीं सकता, बताना चाहिए भी नहीं, झूठा होगा जो बता रहा है, ठीक है? Exactly. And the problem is, we try to explain people that every industry or every activity has a different tenure. Game कितनी बड़ी खेल रहे हैं आप. Digital is more real time, more fast paced. You can possibly see results in a week, 10 days. Other activities are more long tail, right? Correct. Gaming is a long tail activity, because gaming, and that's why I say brand managers and agencies are at fault, because just like Instagram mein hame reelon ki aadat pad gayi hai na, advertising mein bhi hame bahut quick wins ki aadat pad gayi hai. The minute you talk to me about brand affinity creation, brand affiliation, brand resonance, you can see in their eyes you've lost them. Because what they're not understanding, ke as a consumer, along my interests and behaviors, if you insert yourself at the relevant time, when the time comes, आप LTV देखे ना, long term value देखे, lifetime value देखे, correct. और gaming की दुनिया में हम बात ही सिर्फ LTV की करते हैं. The number one word we have on our tongue is LTV, lifetime value. And I'm not doing a shameless plug here, but and that is why I deeply appreciated what HBL has been doing with us over the last 6 months and is continuing doing over the year. They're not in it ke log account kholne aaye. They don't care. They're not in it ke log connect ka account kholne ya HBL pe jaake account kholne ya ye jo 300 log mere event pe aaye, ye jo 60 ladkiyan khelne aayi hain Tekken, ye nahi bhai, what they're in it is for brand affinity, brand affiliation, brand resonance. Ke in their life, the next time they're ever in need of someone to hold their hand down a financial lifestyle or process, they'll be like, top of mind. Yeah, this Easy. Brand gets me. Yes. Long tail. Right? And that's what people don't understand. So when I speak to people like beverage industry people, and I'm like, yaar, aapke liye to itna easy plug hai. Bana bana. Lekin bas wo quick wins.
कितने लोग कितने क्लिक कितने क्या, आई एम लाइक you know, like, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. गूगल ने दो साल पहले, सो आई हैव बीन फॉलोइंग द गेमिंग इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, आई मे नॉट बी अ गेम प्लेयर, बट टू मी देयर इज सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑन द ऑडियंस एंड दैट एडवर्टाइजर्स आर लूजिंग. उनको समझ नहीं आ रही है. हमारा एक कन्फेक्शनरी क्लाइंट था एंड वन ऑफ द रीजंस दैट वी डिड नॉट कंटिन्यू विद दैट क्लाइंट इज बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड दिस. माय कन्फेक्शनरी क्लाइंट था जिसको मैंने दो साल पहले पिच किया कि आप एक कैजुअल गेम बना लें, सिंपल कैजुअल गेम बना लें. उसमें बड़ा सिंपल है गेम प्ले आपका, लेट्स से इट्स नॉट योर सुपर हाइपर कैजुअल, इट्स अ कैजुअल गेम. द गोल इज लाइक सबवे सर्फर स्टाइल टू फाइंड ए, लेट्स से यू हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. यू आर अ कैरेक्टर एंड योर गोल इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड सेव योर द फीमेल वर्जन ऑफ योर कैरेक्टर, राइट, योर काउंटर पार्ट. अलोंग द वे यू कलेक्ट पॉइंट्स. At any given point in time, the points that you collect are convertible to the real product at a store. Yep. Now imagine you're taking the digital gameplay, accumulating points and converting it into real product. ठीक है, and you're creating a publish अपना user board, leaderboard. पहले सवाल ये आया था, downloads कितने होंगे इसके? मैंने कहा, I don't know. We will market it, but I don't know इसके downloads क्या होंगे. अच्छा, downloads होंगे तो gameplay कितना होगा, impressions कितने होंगे, और इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा, you're interjecting yourself in the lifestyle of a gamer, ताकि जब वो बैठ के खेल रहे हैं ना, तो snacking उनकी आपके product की हो रही हो, क्योंकि top of mind recalled होगा. It works like that. लेकिन क्योंकि वो बात अटक गई थी, downloads कितने होंगे, पूरा process ही वही रुक गया. अब how can anyone guarantee? अच्छा चले, downloads भी करवा दिए, लेट्स से हमने बहुत जबरदस्त किस्म का ऐप इंस्टॉल या गेम इंस्टॉल कैंपेन या जो भी है चला दिया, हाउ कैन यू गारंटी गेम प्ले, राइट? बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग द राइट लेवल्स, बिल्डिंग द एंगेजमेंट, क्रिएटिंग द टॉकेबिलिटी. मॉल के अंदर आप एक टूर्नामेंट करा लें इसका, यू नो, लाइक डू स्टफ, एक्टिवेशन एंड स्टफ. या ये जो पूरा इसका लेग है ना, आई फील अभी भी यू आर राइट, ब्रांड मैनेजर्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग इस वजह से नहीं है क्योंकि वो गेम गेमर्स शायद वो है नहीं, या एक जमाने में थे और अब नहीं रहे, और उनको इसका डेटा कभी किसी ने जाके समझाया नहीं है एट स्केल, और उनके पास केस स्टडीज नहीं है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. देखें, इस वक्त आई कीप टेलिंग पीपल एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज़ आई एम इन दिस इंडस्ट्री, मुझे इंडस्ट्री में काफी टाइम हो गया. दिस इज दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल इज द परफेक्ट टाइम फॉर ऑल ब्रांड्स टू ट्राई आउट सम काइंड ऑफ एफिलिएशन विद गेमिंग. बिकॉज डेमोग्राफिक इतनी बड़ी हो गई है, पाकिस्तान में डेमोग्राफिक 13 से लेकर 42 तक जाती है. अब साइज देखें आप, ठीक है, ये डेमोग्राफिक इतनी बड़ी हो गई है, इस पे स्पेंडिंग के जरिए इतने आसान हो गए हैं, यू नो, वेदर इट्स ऑफलाइन वेदर इट्स ऑनलाइन. दिस इज अ ग्रेट ईयर फॉर एवरीबडी टू ट्राई आउट हाउ दैट ब्रांड कैन एक्चुअली डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम द अटेंशन दे रिसीव फ्रॉम दिस लार्ज डेमोग्राफिक. बट द प्रॉब्लम विद दिस इज द मेल डोमिनेंट डेमोग्राफिक, नहीं, फीमेल गेमर्स पे यू टच 23% ऑफ देम आर फीमेल्स, 23% आर. सो अगर हम 34 मिलियन लेते हैं तो 8.5 मिलियन खवातीन है. अच्छा, इसमें ये जो अक्सर हमें सोशल मीडिया के एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम आती है कि एक मेल अकाउंट से उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, अपने आप को मेल दिखाया हुआ है, ये पर्सन ऐसा नहीं करता. यहां गेमिंग पे इफ यू आर सेइंग 23% इट इज 23%. सो मैं आपको बताऊं, गेमिंग में ये जो आर्किटाइप है, पर्सोना जो है, ये इतना सेल्फ अवेयर और इतना एनसेट इन द गुड वे टू ऑल फीमेल्स लिसनिंग, इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, दे आर सो नीडी फॉर अटेंशन बिकॉज इन आवर सोसाइटी वी हैव मार्जिनलाइज्ड फीमेल क्रिएटिविटी, मार्जिनलाइज्ड फीमेल एक्सलेंस. Right? So when they do well at games or sports, they want to put themselves out there. Right? So मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. हमने अभी Tekken का टूर्नामेंट किया, it was the first ever all female Tekken tournament in Lahore. We did it with HBL and Symmetry. हमने क्या किया? अच्छा, e-sports में ना face cams होते हैं. You can't turn face cams on. Face cams are there because that's part of the moderation. But since it's Pakistan, what we did was there were 64 contestants that had qualified. We printed 64 face masks. With the brand impression, but it comes to a face mask. And when every girl got on stage, we were like, if you don't want your face to, we can't turn the cam off, but if you want your face to be seen, they're like, no. Really? We want her. And these were girls from all over Punjab, from SEC, BC, traditional SEC, BC geographies. And they said, no, because if we win, we freaking want everyone to see our face that we won, right? Yeah. And then when this girl who won, she was from Chakwal,
there's a video I'll share with you, and you can plug it into the podcast if you want to. So her dad and her mom were in the audience, and she was playing on stage, beautiful stage. And her mom, her brother, and her dad was in the audience, and someone was shooting from the back. And then she dealt not the final blow, one of the final blows in Tekken, and her dad just goes up and starts doing this and goes nuts, right? Mm. And then she wins, and the whole crowd goes up, and she turns around and she looks at her dad, and her dad is like, Punjabi guy doing this, khade ve chhalaake maar raha, and then her mother starts crying, and it was very typical. And they wanted to be celebrated. She got up and she soaked it in. The crowd of random people cheering. Mm. Then she went and did like a podcast. Then she did an interview with 50 different people on the media wall. Mm. So, aisa nahi hai. These girls, they... And so, what we're doing now is there's a huge male tournament happening in the first 10 days of May, isi mahine mein, in Lahore. Mm. And what we've done is we've arranged for the two winner and the runner-up to have an exhibition match with the male winner and runner-up over there because they said we want to square off against the guys. So confidence level is archetype ka, is persona ka, representation is completely off the charts. It's a different type of woman who's playing this game. 100%. And usme us then, if you remember, on panel pe baithe hue the, there was a girl at the back who made some comments about being a female gamer. Bullying bahut hoti hai. Yep, cyberbullying, yes. Cyberbullying bahut hoti hai. Gameplay ke dauran agar kisi ko pata chal jaye ki yaar main ek ladki ke saath khel raha hu, isko counter karne ke kya tarike hain? And how does a woman handle this? Dekhe, there was a time when this was happening all across the world, and I'll be very honest, it was handled in a very different way. In the wrong way. So, unfortunately, hua kya, a lot of the culture that gets imported here is culture from the US. Right. And US really hasn't handled Gen Z and Gen Alpha diversity very well, to be very honest. Right. The initial reaction was, FIA ko report kar do, IP address uska nikal lenge, falana kar lenge, that's what US would do. No, there's nothing you can do about it. Just like you can do nothing about some random troll writing something on Facebook and telling you look fat, ugly, whatever the hell. You cannot do anything about a guy who finds out, oh, voice chat, shit, this is a girl who did a headshot and killed me. What a B.I., whatever. You just got to develop thick skin, right? If you remember when we were young and we would play on the field, cricket, your football, dude, there were some nasty bullies on the pitch. Mohalle we would want to go on Mohalle to our mom. Cricket jo hoti thi. So yeah, they would make you want to cry to your mom and never come back the next day to play. But you'd show up the next afternoon at 4 o'clock again. That's true. And you'd be like, aisi ki taisi, maine bowling karani hai, maine batting karani hai. Thick skin. And if you remember, I gave an advice to that mother that day. I said, the best thing you can do is, like you talked about you playing with your daughter. Yeah. And that's what Yasir Awad said. You said, play with your daughter, enjoy with her, and when you encounter bullying, tell her to push back. Yeah. Tell her to develop thick skin. Yeah. Tell her, and that's all you can do. But there is bullying. Hamare mulk mein, unfortunately, by the way, dusre mulkon mein bhi hota hai, so I'm not putting down Pakistan. Hamare mulk mein, the minute, if you're in any male-dominated profession or activity, and there is a slight chance of a woman beating you or competing with you, male ego trigger. And then you push back in the nastiest way. You come skill set with the pushback nahi kar sakte. So one of the first interviews I did at IGN was with this fantastic female gamer who was one of the first female gamers to be signed with a large esports company out of India and Singapore. And one of the first times she took a hiatus of about 8 months. That was because the cyberbullying got so bad that she was like, I can't process this because I can't focus, right? There's only so much you cannot do. And then she worked on herself and she went like, screw this. I'm going to come back and I'll be like, you guys are just haters who don't have the same opportunity as me. And then she kicked ass for like 3-4 years until she, you know, moved on to other things that she wanted to do in life and stopped playing. So unfortunately, cyberbullying today is generic across the board, whether it's gaming or whether it's Twitter or whether it's trolling on Facebook. Just got to grow thick skin and but if it gets, like I said, dangerous or threatening or physically threatening, we've had a lot of gamers complain to the FIA cybercrime cell, if you know about it. Their hotlines are on internet. They're very responsive and they're very helpful. So reach out, complain, feel safe. Wo to bilkul kare, but grow thick skin. My last question. I want to come back to jo industry mein maine baat ki thi of making money in gaming, right? So obviously you talked about as a game player, itna limited paisa hai kyunki you really need to put in a lot of time aur bahut kam log hain jo us level pe pahunch jate hain. Gaming ke content creators, haan, 100 ya 1000 log hain jo kama rahe hain aur ek decent aamdani kama rahe hain. As a business,
what is preventing us from being a top market to produce games? Is it a developer? Is it the creativity? And is there a role that government can play to fill this void? Dekhe, number one problem why we cannot grow. So I see these big numbers being thrown around. Pakistan will become a $5 billion IT company. And what do you mean by log nahi? Qualified log nahi hai. Qualification. Qualification nahi bola maine. Acha. Qualified log bola. Samjhaye ki iska kya matlab? Dekhe, degree ye sab ye cheeze na agle kuch saalon mein badi relevant ho jayengi. Theek hai. Because curriculum itni tezi se ya demand itni tezi se shift kar raha hoga ki aap jin 4 saalon mein degree le rahe honge na, 2.5 saal mein jo degree aap le rahe hain wo khatam ho chuki hai, obsolete ho chuki hogi. Main qualification ki baat kar raha hu. Agar mujhe Unity ka developer chahiye mobile games banane ke. The number of Unity developers and the quality of Unity developers for me to be able to export goods outside the country or even to create big goods inside the country is very limited. Itne quality limited of developer, matlab, I can train them, yaar. What's the problem? Kaun train karega? Idaron mein to nahi padhaya ja raha. Institution mein to nahi padhaya ja raha. Theek hai, private companies apne, and humne apni academy start ki hui hai. Humne apni performance marketing ki academy start ki hui hai. 250 bachcha humne last year train kiya tha. Just because humne pata hai ki market se bachche aur school nahin se milte, right? Nahin mil rahe. But Fazan, and as a of note, disrespect to East River, are you trying to tell me that in the next 5 years, you will be a JWT Asiatic? No. No. You will not. I hope to, but... hope aside. Hope, broad stroke of luck, a big international campaign for it. Yes, 100%, inshallah. But jitna bhi aap kar rahe hain. Aur main ban bhi jaun, mere paas log nahi honge. Log nahi honge, right? So, isliye main phasunga. So, main aapko honestly ek baat batau. Aap to development ki baat kar rahe hain na. Main baat karta hu jo meri company kaam karti hai. Meri company ke 3 core areas hain. Content, esports, and payments. Gaming ki payments. Ye mere 3 core. Mujhe aksar esports ke aise aise international events ke offer aate hain jisme hum dusri email bhi shukriya karke excuse kar dete hain. Kyunki hame esports, which is predominantly esports mein kya hota hai? Logistics, on ground fabrication and creation. Third is broadcast. Broadcast hi puri duniya. So basically ek tarah se ek events company aur ek media company. Media ka bahut bada. So media is the larger pie. Broadcast, OBS, 3D. Aksar iske log nahi milte bhai. Matlab esports ka event refuse kar dete hain ki yaar ye jo unhone wish list bheji hai ye to India se karwa, aur hota yahi hai, fir wo India se hota hai. Chahe aapke mulk mein ho raha ho, India se hota hai. Kyunki aapke paas log hi nahi hote. So aapke paas log hi nahi hai. Mindstorm, for example, साल के 14,000 लोग ट्रेन करता है. सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया में डालने के लिए हर लोग बने. गेमस्टॉर्म यही करता है, गेम ट्रेन यही करता है, एपिफनी यही करता है. ठीक है, फिर भी बहुत कम लोग हैं फॉर यू टू बिकम अ $1 billion, $2 billion, $3 billion इंडस्ट्री. क्योंकि लोग ही नहीं है. आज भी अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएं और बोले आपके डिग्री के अंदर गेमिंग के क्या कोर्सेज कराने हैं, यार वो इतने चवल चवल कोर्सेज हैं कि बंदा कहता है भाई ये कोर्स किसी 10,000 रुपये महीने के कोचिंग सेंटर पे हो तो ठीक है, लेकिन एक 10 लाख रुपए की ग्रेजुएट डिग्री, 10 लाख तो खैर खास दुनिया में, बट लाइक व्हाटएवर की ग्रेजुएट डिग्री के अंदर ये कोर्स ही होना चाहिए. हाँ, ये मैं मानता हूँ ग्रेजुएट डिग्री में चीजें आपको इस लेवल पे कभी भी नहीं सिखाई जाएंगे कि आप अगले दिन, लेकिन फंडामेंटल्स ही नहीं है, लोगों को जरूरत नहीं पेश आती. गेम डेवलपमेंट, गेम ये बहुत बड़ी बात है. एनिमेशन पे काम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है कि एनिमेशन सिखा रहे हैं. वो शायद आप फील करते होंगे, अब आपके पास लोग आते होंगे. इंडस वैली ने कम्युनिकेशन डिजाइन की डिग्री शुरू कर दी, बहुत अच्छे लोग निकल रहे हैं, लेकिन कितने बैच में कितने लोग होते हैं? 30-40. आप कम्पीट ही नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई आई एम नॉट लेटिंग अ कैट आउट ऑफ द बैग, बट आई एम जस्ट शेयरिंग. That is why now me and a few partners have started talking to the government. आपने सवाल पूछा था, with the national vocational training centers of the government, जिसके अंदर Punjab Skill Development Foundation आता है, सिंध के. भाई अब मास लेवल पे ना, मैट्रिक पास या आठवीं पास को भी पकड़ो और बोलो भाई यहाँ तो गारंटीड लोग नहीं मिल रहे ना यार, आओ यार हमारे साथ काम करो एंड फ्रीलांसिंग सिखाएंगे तुम्हें. एंड मजे की बात क्या है, आपका पूरा गेम डेवलपमेंट इज आउटसोर्स्ड फाइबर अपवर्क फ्रीलांस डॉलर इन वर्ल्ड खत्म. ठीक है, वो अलग बात है, कुछ अरसे बाद वो सीख जाएगा कि सिंगापुर में अपनी कंपनी बना लो और पैसे बाहर रख लो. वो आपका मसला है, बट दैट इज द प्रॉब्लम, देयर इज जस्ट नॉट एनफ स्किल सेट फॉर यू टू हाइपर स्केल. व्हाट इज द वन, द नंबर वन स्किल यू नीड इन दैट कैंडिडेट? देयर इज नो, देयर इज नॉट अ सिंगल स्किल. क्रिएटिविटी इज इट? नो,
क्रिएटिविटी बहुत है, आपकी सोच है क्रिएटिविटी कितनी है. सो देन व्हाट इज द नंबर वन स्किल? इज इट द एबिलिटी टू कोड? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टूल्स ऑफ द ट्रेड, एंड टूल्स डोंट रिक्वायर एजुकेशन. सो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी है यार, एक्सपोजर नहीं है, एक्सेस नहीं है. देखिए बहुत लोग ऐसे हैं, अगर आप टिकटॉक तो देखते होंगे राइट, फैसल शेख, जैक रेडल, आई ऑफन सिट विद हिम एंड टॉक. लोग क्या अमेजिंग अमेजिंग चीजें बनाते हैं टिकटॉक पे, वो स्पेशल इफेक्ट्स बनाए हुए हैं, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन कहीं से उनको एक पीसी का एक्सेस मिल गया या एक मोबाइल का एक्सेस मिल गया जिसमें एक सॉफ्टवेयर मिल गया जिसके अंदर ये एडिटिंग हो सकती है. सो टूल ऑपरेटर्स हमारे अच्छे हैं, क्रिएटिविटी अच्छी है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग शायद एक, देखिए क्योंकि एक्सेस नहीं है ना. आप अगर आज उन्हीं लोगों को आप उठा के एक वोकेशनल ट्रेनिंग में ले आए जहां उनको यूनिटी सिखा दें, कोडिंग छोड़ दें, टूल्स, ग्राफिक डिजाइन, ये वो चीजें आप सिखाएं, आप देखेंगे क्या क्वालिटी होती है. हाउ डिड इंडिया डू इट, हाउ डिड अदर्स डू इट? आर यू ट्राइंग टू से दैट इंडिया दैट्स 5 टाइम्स आवर साइज डजंट हैव अ प्रोपोर्शनल रेट ऑफ पॉवर्टी? ऑफ कोर्स दे डू. डू यू थिंक दे डोंट हैव देयर ओन सोशल बैरियर्स टू गेट इनटू इंडस्ट्रीज? ऑफ कोर्स दे डू. बट एक्सेसिबिलिटी इज अ रियल थिंग. ठीक है, आप कब तक, अगेन नॉट पुटिंग इट डाउन, बट भाई कब तक आपकी वोकेशनल फोकस विल बी सिलाई पर हुई, जूट के बास्केट बनाना, ये नहीं है. दैट्स नॉट व्हाट इज नीडेड एनीमोर. इट इज लाइक आई वेंट विद समवन इन द फील्ड्स एंड गांव की लड़कियां मोबाइल फोन के ऊपर फाइबर और अपवर्क पे काम लेके काम कर रही थी एंड दे वर अर्निंग $100, $200 मैन. ठीक है, सो आई थिंक द नंबर वन स्किल तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज हर इंडस्ट्री का अलग है. अगर आप अभी सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएंगे वो बोलेंगे यार पाइथन के डेवलपर नहीं मिलते, जावा के नहीं मिलते, उनकी एक अलग विश लिस्ट है. मैं बोल रहा हूँ यूनिटी के बंदे नहीं मिलते, एनिमेटर नहीं मिलते, मेरी अलग विश लिस्ट है. माई पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी एंड जनरल एक्सेस टू टूल्स है ही नहीं आपके मुल्क में, है ही नहीं. And that is what you need to fix. You just need to end up at everybody's doorstep. And also let people know कि यार ये एक धंधा है, ये एक एवेन्यू है. देखिए इकोनॉमिक्स चेंजेस एवरीथिंग. मैं जाते जाते एक बात बोलूंगा, इट्स नॉट अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. करीम वुड नेवर हैव बीन वर्ड द ब्रांड दैट इट इज टुडे इफ गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ द हाउस डिड नॉट ट्रस्ट इट एनफ टू गो टू कॉलेज देमसेल्व्स. व्हाई डिड पेरेंट्स हु वुड नॉट अलाउ द गर्ल टू गो विदाउट हर ब्रदर और गार्डियन टू द कॉलेज बिकेम ओके विद करीम? बिकॉज इकोनॉमिक हार्डशिप आई, घर में दो गाड़ियां नहीं थी, एक बाइक की एक गाड़ी थी, वो बेटे के पास या बाप के पास थी, बेटी ने कॉलेज तो जाना था, रिक्शा और बस जो था वो सेफ नहीं था, तो यार करीम में जाओ कुछ तो है. एंड सडनली करीम बिकेम एन एक्सेप्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन ऑल ओवर पाकिस्तान एंड बिकेम योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? इकोनॉमिक्स विल ट्रम्प एवरीथिंग. वही लड़कियां, वही लड़के जो घर से अकेले निकलते थे, आज वो नौकरियां करते हैं, काम करते हैं. व्हेन यू टेल समवन, अ गरीब आदमी और समवन हु हैज डिजायर that you have the ability to earn money if you get into a certain trade or activity, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. And they will do. मैं आपको बताऊं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद used to be the biggest places we would do gaming and esports or game dev. You know, it's not KLI anymore. It's KLP. कराची, लाहौर, पिशावर. Really? Yes. तब मैं खेला नहीं किसी दिन कुछ नहीं. The next couple of tournaments we planned is KLP, not KLI. एक तो इंसाबाद की इंडिजिनस पॉपुलेशन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, मोस्टली पंजाबीज एंड पठान. तो वैसी लाहौर और पिशावर से सर्व हो गया, लेकिन आप पिशावर, मदान, सवाबी, चरसद्दा यहाँ जाए और आप लोगों से मिले, एंड देन आई विल आस्क यू द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द डिजायर टू बी शोकेस्ड ऑन द नेशनल, ग्लोबल तो छोड़ दें, ऑन द नेशनल स्केल. एंड बलूचिस्तान इज नेक्स्ट, बट द प्रॉब्लम इज इट्स एन अनसेटल्ड एनवायरनमेंट वेयर यू कांट कन्विंस पीपल टू हैव operations at the moment, but I have spoken at the NICs in Balochistan, and the women and men there are craving the kind of attention and opportunity that we take for granted. Amazing. So you just have to end up at their doorstep, and the rest they'll take care of. Phenomenal, yaar. This was amazing. I learned a lot. I was hoping to get this level of a download. Thank you, Imran. Thank you for the time. Thank you so much for having me. Maza aaya mujhe is conversation mein. Hopefully, like, you know, this triggers more discussions like this. The idea of again doing this is to start the conversation. ऐसे मौजू पे हम बात करें जो मतलब it's an obvious winner, लेकिन not enough conversations are happening around this. And I think that you've summarized very well in the last hour of what this industry is and the kind of potential it holds. And I देखिए इस podcast पे the only thing I want to get across to all parents now is and people general, stop bad mouthing games and gaming and stop thinking it's a taboo topic. I agree with you. I think social media se scrolling se behtar ye hai ki aapka bachcha baith ke ek strategy game pe ghanton laga raha ho. 100%. Theek hai, kyunki at least uski skill develop ho rahi hai. 100%.
So thank you very much. Thank you all for tuning in. Stay tuned for more episodes next week. We have some fantastic guests line up. Please like, subscribe, comment. Jo bhi comments aate hain, main feedback leta hoon, incorporate karta hoon shows mein. So keep them coming. Thank you. Bye-bye.